इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर, काबुल से हिंदुस्तानियों की देश वापसी का मिशन जारी है। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 168 लोगों के साथ हिंटन एयरपोर्ट पहुंच चुका है। इस फ्लाइट ने सुबह 5 बजे काबुल से उड़ान भरी। एयरफोर्स के इस प्लेन में 168 लोग सवार थे, जिनमें 107 भारतीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे हर हिंदुस्तानी की सुरक्षित देश वापसी का ऑर्डर दिया है। ऐसे में काबुल से हिंदुस्तानियों समेत मुसीबत में फंसे हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों और लोकल अफगानियों को भी वापस लाया जा रहा है। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे। हाँ, ऐसा आप रोइए मत सर। सर अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह वाला जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से रिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है और अब जीरो है। निश्चित रूप से एक जो आदमी पब्लिक सर्विस में रहा हो, जिसने अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद के लिए की हो, अभी भी आप लोगों ने ये इंश्योर किया कि आपके साथ साथ और लोग भी आ पाए, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? अभी 200 से हिंदू भाई फंसे हुए हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं, जलालाबाद से आए, गजनी से आए, अभी उधर ही है, मगर हम कोशिश करते हैं वो भी आ जाए, क्योंकि अभी उधर भरोसा नहीं है, कुछ कुछ नहीं है। किस्म किस्म तालिबान है, किस्म किस्म लोग हैं, किस किस से लड़ें, किस किस से बात करें, जो उनके बड़े लोग थे उनके साथ जो हमारे कांटेक्ट नंबर था या हम फ़ोन किया था उन्होंने कि आप बैठो सुरक्षित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तालिबान चाहिए, जो चाहिए गुरुद्वारे के लिए सिक्योरिटी चाहिए, हम कर सकते हैं आपको दे, मगर हम फिर भी भरोसा नहीं है क्योंकि उसमें कई किस्म किस्म लोग हैं। 5-7 दिन से 10 दिन से गुरुद्वारा ही लोगों का घर बन गया था। हाँ जी, सारे संगत गुरुद्वारे में है और गुरुद्वारे में अभी भी लंगर चालान है, कोई हमारे और सेवादार जो है उधर बैठे हुए हैं, सब कुछ कमरे हैं गुरुद्वारे में, सब कुछ है, लंगर 24 घंटे उधर चल रहे हैं। सर एक बात कर लेंगे हम, सर हो गया बात। दर्द समझिए, उनका डर समझिए और इसी डर से वो लोग वापस वतन लौट रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि तालिबान राज में उनके अधिकारों का हनन होगा, उनकी जान को खतरा होगा और यही वजह है कि वतन वापसी इनकी मुमकिन हो पाई है। लेकिन अभी भी कई लोगों के चेहरे में आंसू इसलिए हैं क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर वो लौट रहे हैं। वो भैया क्या बोल दिया, जब हम लोग का वहाँ बहुत मुश्किल था इसलिए यहाँ आया तालिबान। जब मेरा वो इंडिया और बहने और भैया उठाया, हम भी उसके साथ था, दामाद में मेरा लड़की भी, दो पोता में भी था, तकरीबन 4.5 घंटा उसके पास हम लोग था और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहने हैं ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है, फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बदराव किया। अभी यातनाएं सहनी पड़ी हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा, और मेरा दामाद जो है उसका बाल कलर किया है, उसको फेस सब अलग कैसा कलर किया है, उसको पहचाना और उसका मरती है, इसलिए महिलाओं के लिए भी वहाँ पे काफ़ी मुश्किलें हैं। सब के लिए सब वो बोलती नहीं को सब चीज़ ठीक है, हम को पता है जो ये बात जबान से करती है पीछे उस तरह नहीं है। एयरपोर्ट आने में भी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि तालिबान के कुछ लोग आ गए थे और कुछ इस तरह से बातें आ रही थी सामने जब आप एयरपोर्ट। हम इंडियन लोग बोल दिया कि हमारे साथ मदद कर लो क्योंकि हम नहीं जा सकते, क्योंकि मैं आप लोग के साथ था गाड़ी में और हमारा फोटो सब लिया था, मैं क्यों किस तरह दोबारा अपने घर चलूँ, मेरा घर को जला दिया उन्होंने। और भारत ने थैंक यू बहुत किया था, थैंक यू इंडिया भाइयो, जो हम तालिबान के पास उसका मदद किया था, उसको बोल दिया मेरा इंडिया लोग जो है मेरा मदद अफगानिस्तान के मदद से आया है, कोई यहाँ कोई आपका मुश्किल नहीं इस इंडिया के साथ, फिर भी इंडिया लोग हमसे बहुत मदद किया, थैंक यू मैडम।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काबुल से लौटे हुए लोग अपने आप बीती बता रहे हैं, अपना डर बता रहे हैं, किस तरीके से उन तक मदद पहुंचाई गई वो पूरी कहानी खुद अपनी जुबानी बयां कर रहे हैं। काबुल से लौटे हुए लोगों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जरा इन लोगों के राहत का अंदाजा आप इसलिए लगाइएगा क्योंकि ये वो तालिबान हैं जहां पर कत्ले आम इतना आम हो गया था और अब जब तालिबान के शिकंजे से छूट कर ये लोग भारत लौटे हैं तब राहत सोचिए। आप सुनिए कुछ और लोगों की आप बीती। तालिबान से काबुल से लौटने के बाद, तालिबान के शिकंजे से छूटने के बाद ये लोग अब अपने वतन लौट चुके हैं और आज सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे भारतीय एक एक कर सभी लोग वतन लौटेंगे। हालात हैं वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे, एयरपोर्ट बार बार बहुत बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत ज़ालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी? एयरपोर्ट में भी हाँ, तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो, फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी, भारत ने आपकी मदद करी। जी जी जी, क्या कहेंगे हम? बस उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो ऐसे बुरे हालात में हमारी मदद की है और हम यहाँ लाए। भारत सरकार जिंदाबाद, आप लोगों की मदद करिए। हमारे मदद की, हम लोगों के उधर लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की, हम लोग की इतनी सेवा हो। जो आसिया में पड़ा है, जो आसिया में जो सब तरह से रास्ते उनके वहाँ से पड़ता है, कई सौ अफगानिस्तान में फोकस करते हैं, जो उनकी आकम या तो आपको पता है जो हमारे 3 लाख फौज में उन्होंने फिर ख़राब कर दिया, हमारे जो पानी के बांध थे वो बच्चों बच्चों को बना लो थोड़ा सा खराब कर दिया। बच्चे कौन से हैं? बोर्ड में बिल्कुल छोटे वही देखना उनकी बाइट नहीं। देखो अफगानिस्तान इस तरफ उनके जो आसिया में पड़ा है, जो आसिया में जो सब तरह जिसे रास्ते उनके वहाँ से पड़ता है, कई सौ अफगानिस्तान में फोकस करते हैं, जो उनकी आकम या मुश्किल तो सब अफगानिस्तान पब्लिक का है उधर, मगर हम सिख और हिंदू को ज़्यादा, क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते हैं। और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर हम फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है, हर एक MP सेनेटर वगैरह वजीर मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं, रोज़ दो दो चार चार बार आते हैं, सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा 4,000 बंदा खड़ा है। हमारे गुरुद्वारे अब तक तो सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है, गुरुद्वारे सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब गुरुद्वारे में हमें चौकीदार रखा है, सब बैठ गए उधर, फिर देखेंगे बाद हालात देख के, फिर भारत सरकार से और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट बन रही है बात करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा फिर। तालिबान का कहना ये है कि वो कोई ना जाए, कोई अभी यहाँ पर हालात तो किस तरह, और ठीक है हमारे पास भी आया था जो आपका अकलियत लोग हो और आपकी सब कुछ सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठो, अफगानिस्तान आपका मुल्क है, मगर हम नहीं कर सकते हैं कि उधर बैठी हैं या उनसे बातचीत हो या, क्योंकि अब 2-3 महीने तक हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के हालात शायद बिगड़े, इस तरह जो अब तालिबान की रियासत चल रही है इससे ज़्यादा शायद हो जाए। भारत से थैंक यू कहते हैं, भारत सरकार हमारे साथ आज 5-6 दिन से मुसलसल कॉन्टेक्ट किया है, अम्बेसडर साहब जो उधर था उस टाइम भी और अभी इस टाइम मुस्तकिल भारत से हमारा कॉन्टेक्ट था और मुश्किल ज़्यादा थी, हम 3-4 बार एयरपोर्ट के 70-80 बंदे, मगर हम नहीं पाया जो हम आप इंडिया ना जाए, मगर हम कोशिश करते हैं जो बाकी बंदा बंदे रह रहे वो भी आ जाए। तो आपने सुना ये अफगान के सिख हैं जो बता रहे हैं कि वहाँ पर तालिबानी लड़ाके घर में कभी भी घुस जाते थे, कुछ भी ले जाते थे, गाड़ियाँ ले जाते थे,
मंदिर को या गुरुद्वारे को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन किसी भी घर में घुस जाना, उनके घर से सामान ले जाना, एक जान का खतरा हमेशा और इस डर के साए में रहना कितना मुश्किल हो गया था इन लोगों के लिए। और अब जब ये लोग यहाँ वतन वापस लौट आए हैं तो वाकई में कहते हैं कि जान बच गई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।